attention, please. Train number 1255 from Darbhanga to Nayi Delhi via Muzaffarpur, Hajipur, Sonpur, Chhabra, Siwan, Gorakhpur, Bihar, Sampark Kranti. Hey you all fascinating people and welcome back to Flow Vlogs. दोस्तों इस वक्त मैं हूँ बिहार स्टेट के नॉर्दर्न पार्ट के दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन में और आज की अपनी यात्रा यहीं से होने वाली है. वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड द बेस्ट ट्रेन इन बिहार. थंबनेल टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे आज हम यात्रा करने वाले हैं 12565 दरभंगा जंक्शन न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, जिसे प्यार से द डॉन ऑफ नॉर्थ बिहार भी कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ बिहार में अगर किसी ट्रेन का सबसे ज़्यादा रुतबा है ना तो वो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ही है. दरभंगा को हार्ट ऑफ मिथिलांचल भी कहा जाता है और साथ ही साथ ये बिहार की कल्चरल कैपिटल भी है. हालांकि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस संपूर्ण क्रांति जितनी तेज तो नहीं है, लेकिन ये जिस रूट पे चलती है ना नॉर्थ बिहार के थ्रू वाया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, गोरखपुर होते हुए, इस रूट की ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है. बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकलती है दरभंगा जंक्शन से सुबह 8:25 और 20 घंटे 40 मिनट का सफर तय करके अगली सुबह 5:05 पर पहुंच जाती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन. तकरीबन इस 1200 किलोमीटर के सफर के दौरान ये ट्रेन 11 हॉल्ट्स में रुकती है, जो कि इस रूट पे चलने वाली बाकी सभी ट्रेनों से सबसे ज़्यादा कम है अगर आप क्लोर स्पेशल को हटा दें तो, क्योंकि इसके इतने हॉल्ट्स कम है, टाइमिंग कम है. तो भाई ये सबसे ज़्यादा भर के चलने वाली ट्रेन भी है इस रूट की. एक ज़माना था जब वैशाली एक्सप्रेस इस रूट की रानी हुआ करती थी, लेकिन एक्सटेंशन के बाद उसकी हालत इतनी बेकार हो गई है कि अब अनडाउटली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नॉर्थ बिहार की सबसे पॉपुलर ट्रेन है. अगर आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं. वैसे काफ़ी लोग ये सोचते होंगे ना कि बिहार क्या है, बिहार एक भोजपुरी स्पीकिंग रीजन है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है. बिहार की जो सबसे प्रोमिनेंट लैंग्वेज है ना वो है मैथिली, और जो ये दरभंगा है ना ये भी मिथिलांचल का ही पार्ट है, इसे द हार्ट ऑफ मिथिलांचल कहते हैं. देखिए ऐसा है कुछ, दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का. बाहर आप निकलेंगे तो आपको ऑटो वगैरह की फैसिलिटी बहुत मिल जाएगी और एज यूजुअल काफ़ी क्राउडी जैम रहता है स्टेशन के बाहर. देखिए ये है मेन एंट्रेंस दरभंगा जंक्शन का. स्टेशन की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे, बस थोड़ी साफ़ सफाई रहती ना तो अच्छा लगता है. ये देखिए खाया गुटखा और यही थूक दिया. पता नहीं लोग यहाँ मैनर्स कब सीखेंगे, अगर बिहार में लोग मैनर्स सीख जाए ना तो इससे खूबसूरत कोई राज्य नहीं है मेरे हिसाब से. अभी हाल फिलहाल में ना दरभंगा जंक्शन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह हुए हैं. यहाँ पे एस्केलेटर्स वगैरह लगा दी गई है, लिफ्ट लगा दी गई है, एक दो रिटायरिंग रूम भी खोले गए हैं और तो और खाने पीने के स्टॉल्स भी काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं स्टेशन के अंदर ही. लास्ट टाइम जब मैं आया था तकरीबन 2 साल पहले, तब यहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये देख के मुझे अच्छा लगा. अभी 6:50 ही हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ बाहर चलते हैं, थोड़ी अच्छी चाय शाय पीते हैं, क्योंकि यार स्टेशन की चाय तो आप जानते हैं कैसी होती है. अगले 20 घंटे हमें फिलहाल यही सब करना है, तो बाहर चलते हैं, एक अच्छी चाय पीते हैं, उसके बाद वापस रेलवे स्टेशन के अंदर आते हैं. प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8:25 पर हमारा डिपार्चर होगा और ये देखिए मेन एंट्रेंस है स्टेशन का. ये रहा सामने हमारा खूबसूरत दरभंगा जंक्शन रेलवे स्टेशन और स्टेशन के जस्ट बाहर चाय की दुकान है, तो यहाँ से भी चाय लेते हैं. बात तो सही है, चाय बिना चैन कहाँ. और सुबह सुबह चाय पी के ना एकदम मज़ा आ जाता है. ट्रेन पे वैसे पेंट्री कार्ड लगता है तो आपको मैं फूड रिव्यू वगैरह डिटेल में दूंगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये है नॉर्थ बिहार की सबसे बेस्ट ट्रेन. देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो रहा 2, वो रहा 3. प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस. प्लेटफॉर्म नंबर 5 खाली है. इधर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है. अभी आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से लोग अपनी जान पे खेल के इसके अंदर बैठना चाहते हैं कि उन्हें सीट मिल जाए. इतनी इंपॉर्टेंट ये ट्रेन रहती है उन लोगों के लिए. एसी थ्री टायर में आज अपनी यात्रा होने वाली है. ये रहा अपना कोच B6, हम सफर लिवरी है इसमें आज.
तो यहाँ डोर हमारे ओपन हो चुके हैं। हाल ही फिलहाल में ना बिहार संपर्क क्रांति में थर्ड एसी भी इकोनॉमी कोचेस लगना भी शुरू हो चुका है। वैसे थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी के फेयर में ना ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ना मात्र का फर्क होता है भाई, स्पेस वगैरह में ना कंफर्ट के मामले में बहुत कमी आ जाती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका थर्ड एसी इकोनॉमी का इंटीरियर। देखिए ऐसा है कुछ थर्ड एसी इकोनॉमी का इंटीरियर, तो देखिए ये है इसका कुछ थर्ड एसी इकोनॉमी का इंटीरियर। अब आप विंड देखिए सीट की, एक दो बस इतनी आपको स्पेस मिलेगी। ये देखिए इधर, ये है साइड अपर साइड लोअर। तो भाई पैसे कम खर्च करेंगे आप लेकिन सुविधा आपकी पूरी चली जाएगी। जैसे थर्ड एसी इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बकवास लगता है यार, मतलब किराया कुछ कम होता नहीं है। शुरू के 200-250 किलोमीटर तक तो थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी का किराया सेम ही रहता है, और उसके बाद अगर कुछ किराया कम भी होता है तो आपको ऐसा लगेगा ना कि यार कुछ कम नहीं है। लेकिन आप जब ट्रैवल करेंगे ना, हाँ अगर रात भर की जर्नी है तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही दिन आया भाई साहब, जो थर्ड एसी इकोनॉमी में डिस्कम्फर्ट होता है ना, वो मैंने फील किया और आपको दिखाया भी है। तो मेरी आपसे यही सिफारिश गुजारिश रहेगी कि अगर आप फैमिली वगैरह के साथ ट्रैवल कर रहे हैं 100 रुपये का भी फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप थर्ड एसी ही प्रेफर करिए थर्ड एसी इकोनॉमी की जगह। ऑन टाइम 8:25 पर हमारा डिपार्चर हो चुका है दरभंगा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ऐसा है, मैं बिहार को डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन यार बिहार में ना मेरे को कैमरा बाहर या फ़ोन बाहर निकालने में बहुत डर लगता है। क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले लिच्छवी एक्सप्रेस में जर्नी कर रहा था, एक लड़का ऐसे ही फ़ोन पे लगा के बात कर रहा था, उसका फ़ोन ऐसे छीन लिया, और भाई मैं उस पूरे ट्रेन जर्नी में ब्लॉगिंग करते हुए आया था। तो मैंने सोचा था यार किस्मत थी कि बच गया। वो इंसिडेंट आँखों से देखने के बाद ना अभी बड़ी हिम्मत नहीं हो रही मेरी। ये ट्रेन जर्नी अपना प्यार है, अब ऐसे छोटे मोटे रिस्क से डरेंगे तो यार आप सभी के लिए कंटेंट कैसे ला पाएंगे, ट्रेन जर्नी को फील कैसे कर पाएंगे। समस्तीपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हुआ है। यहाँ हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होगा, अब ट्रेन जो आगे था अभी वो पीछे लग जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि जस्ट हमारे से 4 कोच पीछे ही अब लगने वाला है लोकोमोटिव। तो जब तक वो लोकोमोटिव यहाँ पे आता है तब तक मैं आपको समस्तीपुर की कुछ जानकारी दे देता हूँ। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 5 डिवीजन में से एक डिवीजन है समस्तीपुर डिवीजन, बाकी के 4 और डिवीजन है धनबाद डिवीजन, मेरा होम टाउन पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन, सोनपुर डिवीजन और चौथा है दानापुर डिवीजन। हर जगह के ना ये एक स्टेशन एक उत्पादक यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट खुले रहते हैं, लेकिन बिहार के अब तक मैंने किसी भी स्टेशन पर नहीं देखा कि ये ओपन हो। तकरीबन 30 मिनट का हमारे ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है, तो मेरे अंदर थोड़ी सी चुल सी जाग रही है कि चलिए बाहर चलते हैं और बाहर का आपको नज़ारे वजारे दिखाऊँ। बाहर से देखिए समस्तीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। स्टेशन के बाहर देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है यार, मतलब छी यार। और बाहर देखिए एकदम कंजेस्टेड सड़क है, ऐसा मुझे लग रहा है ना जैसे चांदनी चौक आ गया हो दिल्ली का। और इधर ये रेलवे स्टेशन है, बहुत ही बिजनेस ये रेलवे स्टेशन है। एरिया तो फिर भी थोड़ा शांत है, उस साइड तो एकदम चहल पहल थी। इंडियन रेलवे के पैसेंजर लोकोमोटिव का किंग जो चल रहा है WAP-7, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में उसके 2 लोकोमोटिव शेड है, एक है गोमो में दूसरा है अपने समस्तीपुर में। पहले यहाँ के ना एल्कोस लोकोमोटिव बहुत फेमस हुआ करते थे, सेंट्रल रेलवे के पूरे रूट्स पे वो राज किया करते थे, लेकिन अब उनका टाइम खत्म हो चुका है। देखिए यहाँ आपको स्टेशन से बाहर निकलते साथ ही SBI का ATM मिल जाएगा, एस्केलेटर्स की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी, और देखिए पैसेंजर्स उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं।
तो यहाँ हमने एक चिल्ड वाटर बोटल ले ली है। हालांकि मुझे जुकाम है, फिर भी मैंने यहाँ पर ठंडी वाटर बोटल ले ली क्योंकि उन्होंने मेरे को ठंडी वाटर बोटल ही दी और मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। लोकोमोटिव के वापस कपलिंग हो चुकी है इस ट्रेन के साथ, तो अब चलते हैं सीधा अपने कोच के अंदर और तकरीबन अब से 2-3 मिनट में हमारे यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा। अगला हॉल्ट हमारा होने वाला है मुजफ्फरपुर जंक्शन। संपर्क क्रांति की एक चीज़ और अच्छी है और वो इसे यूनिक इसलिए बनाती है कि इस पूरे रूट पर नहीं, ये सिर्फ वहीं पर रुकती है जहाँ पर एकदम एसेंशियल हो, जैसे हो गया अपना मुजफ्फरपुर हो गया, उसके बाद हाजीपुर हो गया, सोनपुर हो गया, सिवान, छपरा। पर ट्रेन देवरिया सदर रुकती है, गोरखपुर रुकती है, फिर लखनऊ में इसके 2 हॉल्ट्स हैं, उसके बाद सीधा कानपुर और फिर नॉन स्टॉप 440 किलोमीटर का रन लेते हुए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। जब भी ट्रेन चली थी ना तब एकदम क्लीन होकर चली थी, लेकिन यहाँ देखिए, मेरा निवेदन है यार कि विमल जुआ केसरी जो आपको करना है घर पे करिए या कुछ एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ ऐसे पब्लिक प्लेस पे तो आके मत थूकिए। सामने देखिए BRCW7 के साथ खड़ी है अवध एक्सप्रेस बरौनी बांद्रा टर्मिनल। पता है भारतीय रेलवे में आपको 3 चीज़ परमानेंट दिखेगी किसी रेलवे स्टेशन पे, एक प्लेटफॉर्म, दूसरा ट्रेन और तीसरा ये। चाहे आप कोई सा भी बड़ा स्टेशन देख लीजिए, सामने देखिए वो वही लाइन है जिससे हम अभी दरभंगा से आए हैं और इधर अब हम मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ चुके हैं। सीट है वो है अपर बर्थ, देखिए समस्तीपुर डिवीजन का इस ट्रेन का ये देखिए बेडरोल किट है, साथ में एक पिलो है और ये देखिए ब्लैंकेट है। तो इस पैकेट के अंदर 2 बेडशीट होती है, एक पिलो कवर होता है और एक फेस टॉवल होता है। ये रहा फेस टॉवल, ये रहा पिलो कवर और ये 2 लिलन के हैं या बेडशीट के हैं।
मुजफ्फरपुर सिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है बिहार का। पॉपुलेशन के वाइज अगर देखा जाए तो ये बिहार का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। और यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस चीज़ है, पूरे इंडिया में फेमस है, वो है यहाँ की शाही लीची। वैसे मुजफ्फरपुर में दो तरह की लीची होती है, एक शाही होती है, दूसरी होती है चाइनीज, लेकिन शाही की डिमांड ज़्यादा है। आप सभी को पता है भारत पूरी दुनिया में ना सिर्फ 1% लीची का प्रोडक्शन करता है, और उस 1% में अकेले 40% बिहार के इधर मुजफ्फरपुर के साइड होता है। टोटल वैसे ही ये 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 तो एक तरफ है और 6, 7, 8 दूसरी तरफ है। तो वो सिर्फ ना DFUs वगैरह की ट्रेनों को कैटर करते हैं, जिनमें रिवर्सल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है पोरबंदर से चलकर मुजफ्फरपुर की ओर आने वाली पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, ये वाया दिल्ली होते हुए जाती है। सच में इस रूट में जितनी भी ट्रेनें रहती है ना, कम से कम मुजफ्फरपुर उनको 30-40% पेट्रोनेस दे देता है। पहले यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेनें ओरिजिनेट होती थी। द लेजेंडरी वैशाली एक्सप्रेस पहले यहीं से चला करती थी जयंती जनता एक्सप्रेस बनके, लेकिन बाद में जब वो बरौनी एक्सटेंड हुई तो उसका नाम वैशाली एक्सप्रेस कर दिया गया। और अभी यहाँ से चलती है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सप्त क्रांति एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ मैं। क्लीननेस के मामले में बहुत ही कमाल की ट्रेन है। हाथ थोड़ी स्लो है, लेकिन उसका रूट बहुत खूबसूरत है। चंपारण की राजधानी भी कहते हैं उसे, क्योंकि वो ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण होते हुए दिल्ली की तरफ जाती है। मुजफ्फरपुर जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चल जाती है सीतामढ़ी की तरफ, इन चल जाती है यहाँ से बापूधाम मोतिहारी होते हुए नरकटियागंज की तरफ, एक लाइन आगे चल जाएगी हाजीपुर की तरफ, जिसके ऊपर अब अभी हम बढ़ने वाले हैं। स्टेशन में आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिल जाएगी। यहाँ पे अभी हाल ही फिलहाल में एक AC एक्सिक्यूटिव लाउंज खुला है, जिसके अंदर आप 20 रुपये प्रति घंटे दे के उसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी साफ सुथरा रहता है वो। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भैया से ये लेमन टी परचेज़ की है, तो यहाँ 10 रुपये की हमें ये लेमन टी पड़ी है, और दूध वाली चाय से तो अच्छी है। और पेंट्री है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो मत करिए, क्योंकि पेंट्री तो यहाँ दिखे वो बेचने के लिए ही बनाते हैं, पर ठीक है। और भाई अपर बर्थ है आज की अपनी, सच में जब अपर बर्थ मिल जाती है ना एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। सीरियसली यार, मतलब मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता ना यार कि लोग ट्रैवल करते हैं ठीक है, लेकिन यार दिन के टाइम पर कौन मिडल बर्थ खोलता है। लिटरली पता अभी कैसा हो रहा है मेरे साथ हाल, एक स्टॉप आ रहा है, फिर गेट बंद कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, फिर भाई थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ। मतलब भाई उठक बैठक यही हो रहा है। कसम से बिहार संपर्क क्रांति के अलावा अगर कोई ट्रेन होती ना उसमें मुझे अपर बर्थ मिलता, मैंने भाई कैंसिल मार देना। हुआ इसमें यह था कि RAC था, मैं ये सोचा था कि भाई RAC में रह जाता, मुझे ना अपर बर्थ मिडल बर्थ से अच्छा RAC लगता है, क्योंकि कम से कम उसमें आपकी साइड लोअर तो रहती है। हाजीपुर के आउटर पर रुके हुए हैं। आपको पता है इस डोर के बारे में क्या खासियत है? ये डोर जो है ना ये ऑटोमेटिक भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इस ट्रेन में इसे लगाया नहीं गया है। अगर आपने कभी गतिमान एक्सप्रेस में मेरी जर्नी देखी होगी तो उसमें आपको पता रहेगा ये जो डोर होता है दिखते तो नॉर्मल ही है, बट इनके ऊपर आप ये देखिए ये जो बॉक्स होता है ना इससे ऑटोमेटिक बंद और क्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। कुछ देखिए ऐसा होता है। पटना के बाद यदि बिहार में कोई शहर है जो बड़ी ही तेज़ी से विकास कर रहा है तो वो हाजीपुर है। इसके पीछे कारण ये है कि आप पटना का सिस्टर सिटी कह सकते हैं हाजीपुर को। यहाँ से पटना शहर की दूरी मात्र 7-8 किलोमीटर की है। जैसे गंगा जी आपने क्रॉस किया उस पार पटना है, इस पार हाजीपुर है। ट्रेन के यहाँ पहुँचने के यहाँ टाइमिंग थी 11:17, 5 मिनट का इसका यहाँ पे हॉल्ट है। हाजीपुर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक सीधी लाइन चल जाती है बरौनी की तरफ, उसको काफ़ी सारी ट्रेनें लेती हैं। हाजीपुर का सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ कोई है तो वो यहाँ के छोटे छोटे केले। तो अभी मैं उन्हीं केलों को परचेज करने जा रहा हूँ। आप देखें बहुत ही छोटे छोटे केले होते हैं। वैसे ये जो केले हैं ना हमारे साइड नहीं मिलते, मतलब हमारे दिल्ली विल्ली के साइड नहीं मिलते हैं। ये सिर्फ केले आपको या तो बिहार में हाजीपुर के इस तरफ मिलेंगे, या आप जाइए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या आसाम की तरफ। अंकल केले कैसे दिए? केले तो देखिए छोटे छोटे केले हैं, आपको हाथ में उठा कर देखता हूँ। ये देखिए इतने छोटे होते हैं, ये देखिए।
तो 20 रुपए के हमें 10 पीस ये बनाना पड़े हैं, छोटे छोटे हैं। और इन बनानास की खासियत ये होती है ना कि ये तो छोटे छोटे होते ही हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं। जो नॉर्मल अपने बड़े बड़े बनानास होते हैं ना, उनके कंपेरेटिवली ये काफ़ी मीठे होते हैं। सेंट्रल रेलवे के 5 डिवीजन में से एक डिवीजन है सोनपुर डिवीजन। सोनपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ट्रेनें चली जाती हैं आगे पटना की तरफ, और एक लाइन चली जाती है आगे छपरा की तरफ। और जो पटना वाली लाइन है ना, वो जाती है वाया डीगा ब्रिज होते हुए, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है हमारे इंडियन रेलवे का। बस 2 मिनट का हमारे यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे EMUs, DMUs, इन सब की ना मेंटेनेंस फिटनेस हो गया। बहुत ही बड़े यहाँ पे EMU, DMUs कोचिंग केयर सेंटर है। बिहार संपर्क क्रांति के इस पूरे सफ़र के दौरान जितने भी हॉल्स हैं ना बिहार में, उसमें सोनपुर इकलौता ऐसा हॉल्ट है जहाँ पे इस ट्रेन को बस 2 मिनट रोका जाता है। और यहाँ पे लोग वो डिवोट करते हैं जिन्हें पटना वटना की तरफ जाना होता है। वैसे ज़्यादा यहाँ से पेट्रोनेज वगैरह आता नहीं है, क्योंकि देखिए पटना पास में ही है, तो लोग पटना से दिल्ली जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ की ट्रेनें फास्ट होती है। स्टेशन कोड है SEE। यह हमारा फाइनल हॉल्ट होने वाला है, जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में होगा। आगे आने वाले सारे हॉल्ट हमारे होंगे अब नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में। सलूट है भाई इन लोगों को, जो असली मेहनत तो ये लोग करते हैं यार। तो अभी मैंने पेंट्री स्टाफ से पूछा कि भाई लंच वगैरह क्या सीन है, तो उन्होंने बताया कि देखिए दोपहर के वक्त तो हम सिर्फ वेज पुलाव सर्व करते हैं, एग पुलाव सर्व करते हैं, या सिर्फ चिकन पुलाव सर्व करते हैं। उसमें करी अलग होती है, चिकन करी अलग देते हैं, एग करी अलग देते हैं। पूछा यार थाली वाली नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं थाली जो होती है हम रात को सर्व करते हैं। तो अभी मुझे दिन में यार देखना इधर उधर लोकल फूड खा के काम चलाना होगा, और रात को मैं आपको इसकी वेज थाली का रिव्यू दूंगा। छपरा बिहार के सरन डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हमारी यहाँ बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पहुँचने की टाइमिंग थी 12:50, और यहाँ पे इस ट्रेन को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। यहाँ से नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन स्टार्ट हो जाता है। इधर देखिए आपको बिस्किट्स वगैरह की काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल जाएगी, केक वगैरह भी आप इधर से परचेज़ कर सकते हैं, नमकीन भी परचेज़ कर सकते हैं। और इधर देखिए छोटे छोटे केक्स। तो इसके अंदर देखिए ऐसे 3 पैकेट्स हैं, और एक पैकेट के अंदर 2 पीस है, और इसका जो प्राइस है वो 35 रुपीज़ है। छपरा से ना आप बलिया होते हुए बनारस की तरफ जा सकते हैं, और एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे भट्टी होते हुए सिवान की तरफ। वैसे तो मुझे सनफीस्ट के डार्क फैंटेसी पसंद है, पर ब्रिटानिया का ये बिस्किट भी काफ़ी अच्छा है। पर ब्रिटानिया का ये वाला बिस्किट भी एकदम डार्क फैंटेसी जैसा ही है। गला ख़राब है, लेकिन फिर भी यार मैंगो की फ्रूट ड्रिंक वगैरह देख के ना भाई जी मानता नहीं है। एक बात तो माननी पड़ेगी, इस गवर्नमेंट के टेन्योर में कुछ हो ना हो, लेकिन रेलवे का जितना विकास हो रहा है ना, उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ। कितने स्टेशन में मैं जाता हूँ, देखता हूँ हर स्टेशन में कुछ ना कुछ वहाँ पे सुधार लाया जा रहा होता है, हर स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा होता है। अभी हाल ही फिलहाल कुछ दिनों पहले ही मोदी जी ने तकरीबन 500 से ऊपर स्टेशन का पूरी तरीके से कम्प्लीट रिवैम्प के लिए कहा है।
यहाँ आप देख सकते हैं सिवान जंक्शन पर कैसे मतलब एकदम भगदड़ सी मच गई है इस ट्रेन में बोर्ड करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बोर्डिंग होती है यहाँ पे दिल्ली जाने के लिए। सिवान बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये हमारा बिहार में फाइनल हॉल्ट होने वाला है। इसके बाद जितने भी स्टॉप्स आएंगे अब वो सारे उत्तर प्रदेश में आएंगे जहाँ से मैं आता हूँ। स्टेशन कोड है सिवान का SV। आप सभी को पता है सिवान का ना हमारे देश की आज़ादी में ना बहुत ही बड़ा योगदान है। 1857 में जब सबसे पहली आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी ना तो उस वक्त सिवान से काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फाइटर आए थे। ऐसे ही मैं उतरा था ना, पता हुआ एक्चुअली क्या था, पैसेंजर्स दो थे जिनको जनरल क्लास में ट्रैवल करना था, उनको लगा था कि जनरल डब्बा तो आगे होता है बट इसका क्या था आगे सारे AC के डब्बे हैं, जनरल के डब्बे इसके पीछे थे। तो उसके चक्कर में ना एकदम अचानक से मतलब भगदड़ सी मच गई तो भाग को पीछे जाने लगे क्योंकि इसे 5 मिनट यहाँ पे रुकती है। मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, एकदम बिल्कुल भगदड़ सी मच रखी थी यार। और जो इनको AC में बोर्ड करना है ना वो भी मतलब अफरा तफरी कर रहे हैं, भाई आराम से यार 5 मिनट का हॉल्ट है कम से कम। चलिए जो जनरल में जाते हैं उनका समझ आता है लेकिन यार आप AC में हो थोड़ा तो आप इतना तो इंटेलेक्चुअल हो सकते हो। से कोई नॉर्थ बिहार से है तो देखिए नॉर्थ बिहार के लोगों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि उनको बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में टिकट मिले। मैं इसकी कुछ डिटेल में आपको टेक्निकल जानकारी दे देता हूँ। ट्रेन में 6 3rd AC के डब्बे लगते हैं, एक अभी हाल ही फिलहाल में ऐड हुआ है नया 3 AC इकोनॉमी कोच जो कि एक जनरल को रिप्लेस करके लगा है। 3 जनरल के डब्बे लगते हैं, 6 स्लीपर लगते हैं, 2 2nd AC लगते हैं, 1 फुल कोच लगता है 1st AC का। तो स्लीपर क्लास का फेयर आपको पड़ेगा दरभंगा से दिल्ली का तकरीबन 600 रुपये, यही फेयर आपको 3rd AC में पड़ेगा 1500 रुपये के करीब। 3rd AC इकोनॉमी में आपको पड़ेगा तकरीबन 1380 रुपये के करीब। 2nd AC में फेयर पड़ेगा आपको तकरीबन 2100 से 2200 रुपये के बीच में और 1st क्लास में ये फेयर आपको पड़ेगा 3600 रुपये। ट्रेन में प्रीमियम तत्काल और तत्काल दोनों अवेलेबल रहते हैं। आपको ये रिकमेंडेशन रहेगी ना कि देखिए यार तत्काल में आप ट्राई मारने जाइएगा ना इस ट्रेन का तो भाई बहुत मुश्किल से मिलेगा, आपको जाके काउंटर पर लाइन वाइन लगानी पड़ेगी, उसमें बहुत हेक्टिक रहता है। तो आप ना कोशिश करा करिए कि पहले से दूसरा प्रीमियम तत्काल का टिकट बुक कर लीजिए क्योंकि वो ना तत्काल से 100-200 रुपये महंगा होता है, उसको जल्दी लोग ट्राई नहीं करते हैं तो आपके मिलने के चांसेस में ज़्यादा हैं। तो ये ट्रिक तो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और हमेशा मेरे काम भी आती है, भले ही 100-150 रुपये ज़्यादा लग जाते हैं बट हमेशा टिकट मिल जाती है।